नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। रायबरेली में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। जेठ ननद और सास ने की बहू की जमकर पिटाई। शहर कोतवाली इलाके के सोनिया नगर की घटना। बस्ती में यूपी रोडवेज बस की खुली पोल, बस को धक्का लगाने का वीडियो सामने आया है। परिवहन विभाग ने ले रहा खटारा, बसों पर हुई सूट, कई सूट। झांसी में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार चार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने से पूरे इलाके में फैली अफरातफरी। आगरा में होटल के सामने चलती कार में लगी आग, कार सवार तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। हरदोई में चाय की दुकान पर सिलेंडर लीकेज से लगी आग से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पास के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी फैली आग। साणी कस्बे के SBI ब्रांच के पास की घटना। सोनभद्र में घर हर घर जल परियोजना के गोदाम में लगी भीषण आग। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र जिले में हर घर जल परियोजना पर कराया जा रहा है काम। आग से लाखों का हुआ नुकसान। कानपुर देहात में कबाड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मचा कोहराम। काले धुएं के गुबार से कई किलोमीटर तक छाया अंधेरा। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लखनऊ में लोक अदालत के दौरान युवक ने की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश। थाना वजीरगंज के इलाके का मामला। सोनभद्र में 1,30,00,000 रुपए की कीमत के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों को तस्कर से 3 क्विंटल 981 किलो गांजा और एक वाहन बरामद। ट्रक की बॉडी में छिपा कर ले जा रहे थे गांजा। बाराबंकी में बंजारा गैंग का पर्दाफाश, 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। हल्द्वानी में 1,00,000 की रंगदारी मांगने के आरोप में दो पत्रकार समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से डरा धमका कर मांगी थी रकम। रायबरेली में जमीन के विवाद में भाई नहीं अपने भाई को उतारा मौत के घाट। वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी। लाठी डंडों और धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। चित्रकूट में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर की कार्रवाई। 35 घरों पर चला बुलडोजर और शहर मुख्यालय के पुरानी बाजार में हुई कार्रवाई। संभल में 5 बच्चे गंगा नदी में डूबे। गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों को बचाया गया। एक युवक और युवती अब भी लापता। खीरी में नहाने के दौरान 3 लड़कियां नदी में डूबी। 2 लड़कियों का शव बरामद, एक की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में CCTV में कैद आवारा सांड का हमला। बुजुर्ग को आवारा सांड ने सींग से उठाकर पटका। सीवर में गिरते वक्त शख्स ने बचाई बुजुर्ग की जान। लखनऊ में स्टंट के दौरान युवक उड़ाता दिखा धूल। कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। गुमटी नगर थाना इलाके का बताया जा रहा वीडियो। शपथ ग्रहण के बाद यूपी के सभी 17 नगर निगम के मेयरों की लगेगी पाठशाला। सभी मेयर को योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। पाठशाला में पीएम मोदी को भी बुलाने की हो रही है तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की नई रणनीति। भाजपा में क्षेत्रीय टीम का किया जाएगा गठन और भाजपा के कई जिलों में भाजपा जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर मायावती का ट्वीट। करेंसी में जल्दी जल्दी बदलाव जनहित को करता है प्रभावित। ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव और परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी। झांसी से भाजपा विधायक रवि शर्मा को नोटिस जारी। विधायक निधि के दुरुपयोग का है मामला। लोकायुक्त ने रवि शर्मा को जारी किया है नोटिस। 15 जून तक विधायक को देना होगा जवाब। गोरखपुर में श्रीमद भागवत महापुराण कथा की पुनाहुति। प्राण प्रतिष्ठा के साथ भागवत का समापन। सीएम योगी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं और अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। आज के लखनऊ से आज पहली फ्लाइट रवाना। 298 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट की उड़ान। यूपी में इस बार 26,000 से अधिक यात्री करेंगे हज। मेरठ बागपत हाईवे पर हिंडन नदी पुल के बराबर से होकर तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर नीचे गिरी। हादसे में दंपत्ति समेत 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रुड़की में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस। भाई कई यात्रियों को आई चोट और कार को बचाने के चक्कर में हुआ था हादसा। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जा रही थी बस दिल्ली हरिद्वार हाईवे की घटना। वाराणसी में खड़े हुए ट्रक में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। डीजल टैंक फटने की वजह से आग लगी। कानपुर में दूध कर जली बाइक। बाइक सवार ने कूद कर बचाई जान। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। यशोदा नगर हाईवे का मामला। कानपुर में बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर बने LIC ऑफिस में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बर्रा पटेल चौक के पास की घटना। सोनभद्र के हरपुरा गांव में खड़ी रोडवेज बस में भड़की आग। बस में सो रहे ड्राइवर और कंडक्टर वक्त रहते बाहर निकले। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आगे का हिस्सा जल चुका था। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग। वीडियो में छत से दिखाई दे रही है आग की लपटें। क्षेत्रीय लोगों ने आग पर कई घंटों बाद पाया काबू। दून हॉस्पिटल के पास गन्ने की जूस मशीन में लगी आग और आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। आग लगने से हो सकता था बड़ा हादसा। लखनऊ में भूसे की दुकान में आग लगने से कई दुकानें लपटों की चपेट में आई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। थाना मड़ियांव क्षेत्र की घटना। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली के तारों में लगी भयंकर आग। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पिलखाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड की घटना। लखनऊ की गल्ला मंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। पुलिस और दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। गल्ला मंडी में दो जगहों पर शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। अलीगंज थाना इलाके की घटना। पिंजौर में तेज रफ्तार DCM सड़क किनारे पलटी और DCM में लदा गेहूं भी हुआ खराब। थाना अफजलगढ़ के NH74 का मामला। हमीरपुर में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने अपने शरीर पर किए कई बार। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में था युवक। थाना कुरारा इलाके के कंडोर गांव का मामला। बस्ती में जमीन के विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला। खून से लथपथ बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। कप्तानगंज की पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। आगरा के फतेहपुर सीकरी में खनन वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। खनन से लदे 36 ट्रैक्टर्स को उपजिलाधिकारी किरावली और DCP वेस्ट की टीम ने पकड़ा। खनन माफिया में हड़कंप। बुलंदशहर के खुर्जा में छात्र की मौत का मामला। कैलाश हॉस्पिटल के प्रशासनिक मैनेजर और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इलाज में देरी का परिजनों ने लगाया था आरोप। बस्ती में दो साल बाद भी नहीं हो सका युवती की मौत का खुलासा। हरैया थाने के पास कुएं से बरामद हुई थी युवती की लाश। लखनऊ में चोर ने हेमंत नाथ और शनि मंदिर में लगाई सेंध। 8 से 10 दान पात्र का ताला तोड़कर पार किया कैश और CCTV फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में 1,00,000 का इनामी बदमाश रोहतास गुर्जर से पुलिस ने की मुठभेड़ और बदमाश रोहतास गुर्जर पर पैर में लगने गोली से हुआ घायल। और रोहतास गुर्जर ने 2021 में पुलिस पर की थी फायरिंग। हरिद्वार में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। SSP अजय सिंह ने रात को खुद संभाला था मोर्चा। श्रीनगर के जंगलों में आग से भारी नुकसान। 6.70 हेक्टेयर वन संपदा अब तक जलकर हुई खाक। पौधों को भी खासा नुकसान। बद्रीनाथ धाम में बामनी गांव के पैदल मार्ग में भूस्खलन से आई दरारें। संभावित खतरे के मद्देनजर 7 दुकानों को शिफ्ट किया गया। दरारें आने से लोगों में दहशत। जोशीमठ में पुल टूटने से सीमावर्ती गांवों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सेना और IGBP को भी बॉर्डर में जाने के लिए हो रही है दिक्कतें। मलारी नीति मोटर्स मार्ग पर बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। बद्रीनाथ हाईवे पर धारी देवी से खांखरा तक लगा 5 किलोमीटर तक लंबा जाम। राजमार्ग पर रिंग रिंग कर निकल रहे वाहन। ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सोनप्रयाग में व्यापारियों ने बचाया बाजार किया बंद और जिला प्रशासन को मांगों को लेकर दिया था 20 मई तक का समय।
पौड़ी में भाजपा नेता यशपाल बेनाम ने कई संगठनों के दबाव में फिलहाल बेटी की शादी कैंसिल की। 28 मई को यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की मुनिस से होनी थी शादी। शादी का कार्ड सोशल मीडिया में सुर्खियां बना। रुड़की में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई योजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अयोध्या अध्यक्ष डीएमएसपी और समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। भूमाफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े आए ज्यादातर मामले। गंगोत्री धाम में दर्शन के श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और सुबह से ही 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक 4,25,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप संचालकों ने 2,000 रुपए के नोट लेने बंद किए। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिए सख्त निर्देश। पेट्रोल पंप संचालक बोले, बैंक लेने से मना कर रहे हैं 2,000 रुपए के नोट। सीतापुर में सांड ने फिर मचाया आतंक। दो सांडों की लड़ाई में घायल हुआ युवक। गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 150 आवारा गोवंशों को पानी टंकी ग्राउंड में किया बंद। सोनभद्र के भैंसवार गांव में आयोजित महापंचायत में बोले किसान, न्याय न मिलने पर परिवार के साथ करेंगे आत्मदाह। किसानों ने राष्ट्रपति को भेजा लिखित पत्र। हजारों बीघा जमीन को लेकर चल रहा है विवाद। अमरोहा में युवती ने बताया मायके वालों से जान का खतरा। युवती ने प्रेमी के साथ घर से भागकर की थी कोर्ट मैरिज। वीडियो वायरल कर युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। मथुरा के ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगी। मंदिर के गेट पर लगाया गया चेतावनी बोर्ड। मंदिर के सेवायतों ने लोगों से अशोभनीय कपड़े पहनकर मंदिर न आने की अपील की। गाजीपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बोल्डर पिंचिंग कार्यों का किया निरीक्षण और अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। बस्ती में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कई कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भाजपा सांसद का स्वागत किया। अयोध्या में आयोजित होने वाली जन चेतना रैली के लिए आह्वान किया गया। आगरा जिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 2 लाख से अधिक मामले किए गए। जनहित विवादों को निस्तारण करने के दिए गए निर्देश। गाजियाबाद में चलते हुए ट्रक में लग गई भीषण आग। ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। ट्रक में रखा परचून का लाखों का माल जलकर खाक। मसूरी थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 का मामला। लखनऊ में लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर के अंदर शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। चौकी घुरघुरी तालाब क्षेत्र के गांव दोना का मामला। हमीरपुर में मौरंग लदे ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरह से हुए घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समीरपुर थाना क्षेत्र का देवगांव रोड का मामला। लखनऊ में होमगार्ड के प्लाटून कमांडर पर गंभीर आरोप। महिला होमगार्ड ने ट्रेनिंग के दौरान प्लाटून कमांडर राधेश बाबू पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। परेशान होकर महिला होमगार्ड ने आलमबाग थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। फिरोजाबाद में बसपा मेयर प्रत्याशी रही रुखसाना बेगम के घर पहुंचे आजम। चुनाव के दौरान प्रत्याशी के पति महबूब अजीज की हुई थी अचानक मृत्यु। आजम खान के बेहद करीबी थे महबूब अजीज। प्रतापगढ़ पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी पर साधा निशाना। नोटबंदी के फैसले को बताया तुगलकी फरमान। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। अमरोहा में बसपा सांसद दानिश अली ने लगाई चौपाल। चौपाल लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। नोटबंदी के फैसले पर उठाए सवाल। कहा नोटबंदी के तहत देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात लगा है। गाजीपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। लोगों को योजनाओं के बारे में बताया। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का भी लोकार्पण किया। चंदौली के लाल इरफान ने संस्कृत की 12वीं की परीक्षा में किया टॉप और यूपी मदरसा परिषद ने लाल इरफान को किया सम्मानित। लाल इरफान ने अपने जिले का नाम रोशन किया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को नए संसद भवन का होना है उद्घाटन।
दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में जुट रहे हैं अलग अलग संगठन। रोहतक में पहलवानों के समर्थन में सर्वथा पंचायत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर आगे भी जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।